हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। बिहार में बाढ़ का खतरा, गंडक, कोसी व बागमती का बढ़ रहा है जलस्तर। खबर है कि मानसून के दस्तक के साथ ही बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी, गंडक व बागमती के जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है। गोपालगंज और वाल्मीकि नगर में गंडक उफान पर है, बागमती के जलस्तर में भी इजाफा दर्ज किया गया है। बिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भी प्रवेश करने लगा है। कई गाँवों पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि वह बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली मेट्रो से शराब लाने पर उत्तर प्रदेश में होगी जेल की सजा। खबर है कि दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को शराब की 2 बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध से छूट दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की यात्रा करने वालों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि आबकारी कानूनों को तोड़ने पर कारावास हो सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों ने दूसरे राज्य से 1 से अधिक बोतल लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग अब मेट्रो स्टेशनों पर निगरानी बढ़ाकर इसे लागू करता है। सरकार ने की उपभोक्ताओं को फंसाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के 9 डार्क पैटर्न की पहचान। खबर है कि सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स द्वारा उपभोक्ताओं को प्रभावित कर फंसाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 9 डार्क पैटर्न या तरकीबों की पहचान करके इन्हें बड़ी समस्या बताया है। इनमें बिना इजाजत के कार्ट में प्रोडक्ट्स जोड़ना, कंटेंट एक्सेस के लिए जबरन साइनअप करवाना, कम स्टॉक बचने का झूठा दावा करना व हिडन कॉस्ट शामिल है। केंद्र सरकार ने कहा अगले 15 दिनों में टमाटर की कीमतों में कमी आने की है संभावना। खबर है कि उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश में अगले 15 दिनों में टमाटर की कीमतों में कमी आने की संभावना है और 1 महीने में यह सामान्य स्तर पर पहुंच जाएगी। बकौल रोहित, हिमाचल प्रदेश के सोलन और सिरमौर से आपूर्ति में सुधार के चलते दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतें तत्काल कम हो जाएंगी। वनडे विश्व कप के आयोजन स्थलों के निरीक्षण के लिए सुरक्षा दल भारत भेजेगा पाकिस्तान। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अपनी टीम को भेजने की मंजूरी देने से पहले पाकिस्तान आयोजन स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक सुरक्षा प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने की तैयारी में है। यह प्रतिनिधिमंडल भारत में जिन स्थानों में पाकिस्तान के मैच होने वाले हैं वहाँ की सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगा। तीसा सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम सुरक्षा, गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। खबर है कि गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता तीसा सीतलवाड़ की गुजरात दंगे से जुड़े हुए केस में नियमित जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तीसा सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से राहत देते हुए अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। तीसा को जमानत याचिका दाखिल करने के लिए 7 दिन दिए गए हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने तीसा को सरेंडर करने को कहा था। लेबनान को हराकर लगातार 9वीं बार SAFF चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत। खबर है कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 के सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। यह लगातार 9वीं बार है जब 8 बार का चैंपियन भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है और कुल मिलाकर भारत ने 12वीं बार फाइनल में प्रवेश किया है। 4 जुलाई को फाइनल में भारत का सामना कुवैत से होगा। कुवैत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया था। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।